हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन पी एंड स्नो पी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये पी या मटर, ये सर्दियों में सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जियों में से एक है। ये पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम वाले पौधे की फलियां हैं, जिनके इन बीजों का उपयोग सब्जी की तरह होता है। इनके छिलकों को जानवरों के चारे में उपयोग किया जाता है। इसके सूखे और फ्रोजन रूप भी बाजार में उपलब्ध है। सर्दियों में ये बहुत कम दामों में मिल जाती है और इनमें पौष्टिक तत्वों की भरमार है। इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन B1, B2, B6, B9, विटामिन C और K पाए जाते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, पोटेशियम और जिंक इत्यादि भी हैं। इन मटर के दानों से नाना प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। आज दूसरा है ये स्नो पी। इसको चाइनीज पी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में बिल्कुल सेम जैसा लगता है, परंतु यह भी पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम वाले पौधे का एक कल्टीवर है, जिसका अधिकतर उपयोग चाइनीज भोजन और सलाद में होता है। इसको इसी तरह पूरा खाया जाता है और इसमें विद्यमान पौष्टिक तत्व लगभग मटर के समान ही है, क्योंकि दोनों एक ही समूह के हैं। इसका छिलका भी साथ खाया जाता है, जिससे इसमें रेशे और विटामिन सी की मात्रा मटर से अधिक होती है। ये भारतीय परिवेश में थोड़ा कम प्रचलित है। ये है पी और ये है स्नो पी। इस मटर का छिलका स्नो पी की तुलना में मोटा होता है, इसलिए इसको छिलकर और इसके मोटे गोल दानों को अलग कर पकाया जाता है, जबकि इसका छिलका पतला तथा बीज भी छोटे और पतले होते हैं, जिसके कारण इसको छिलकर अलग नहीं किया जाता। इसके पतले छिलके भी खाने योग्य होते हैं। वैसे तो पुराने समय में पंजाब में भी मुलायम मटर के छिलकों की सब्जी बनाई जाती थी। ये मटर पूरे भारत भर में प्रचलित है। मटर से नाना प्रकार की सब्जियां, कबाब, पूड़ी, पराठा आदि बनाए जा रहे हैं, जबकि ये सिर्फ फाइन डाइनिंग तक ही सीमित है और इसका छौंका हुआ रूप ही सबसे अधिक प्रचलित है। इसका उपयोग घरों में थोड़ा कम होता है। खाने में मटर फीके से हल्के मीठे होते हैं, जबकि ये पूरा ही हल्का मीठा होता है। और हम आशा करते हैं आज की हमारी पी और स्नो पी की ये झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग अवर एवरीडे लाइफ।